किसानों के गांधीवादी आंदोलन के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काले कृषि कानून वापस लेना पड़े। यह बात प्रदेश के पूर्व नगरी प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने कही। उन्होंने डबोक एयरपोर्ट से सफर के दौरान सीटीवी एडिटर राकेश सोन से खास चर्चा की और यह बात कही। प्रदेश कांग्रेस नेता और पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री बाबा साहब जयवर्धन सिंह एक दिवसीय दौरे पर नीमच आए। रविवार सुबह वे उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर उतरे और वहां से सड़क मार्ग से पिपलिया मंडी होते हुए नीमच पहुंचे। सड़क मार्ग में सफर के दौरान बाबा साहब ने सीटीवी एडिटर राकेश सोन से खास चर्चा की। जयवर्धन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिन किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और देशद्रोही कहा था, उन किसानों के अनशन, गांधीवादी तरीके से किए गए आंदोलन के सामने केंद्र की घमंडी सरकार को झुकना पड़ा। यह जीत किसानों की जीत है। बाबा साहब ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है, 2 साल बाद फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आपका यह पूरा इंटरव्यू देखें सीटीवी एडिटर राकेश सोन के साथ। नीमच में एक दिवसीय दौरे पर आए युवा कांग्रेस नेता और पूर्व नगरी प्रशासन मंत्री श्री जयवर्धन सिंह जी, जिन्हें बाबा साहब के नाम से पूरे प्रदेश में पहचान मिली हुई है। आइए जानते हैं कि वे क्या दौरा था और सबसे बड़ी बात, अभी जो कृषि कानून वापस लिए हैं उस संबंध में हम चर्चा करेंगे। सर, सीटीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले कि आज आपका ये एक दिवसीय दौरा था, राजा साहब इस क्षेत्र से में आते रहे हैं, किस तरह से यहाँ की जनता ने आपको प्यार और स्नेह दिया? जी, हमारा संबंध नीमच क्षेत्र के साथ, मंदसौर क्षेत्र का बहुत घना संबंध है। आज पीपलिया मंडी में हमारे बलई बालवी समाज का विवाह सम्मेलन था, जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया था और रास्ते में जो हमारे नीमच के सभी कांग्रेस के दिग्गज नेतागण हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, सभी हमारे पूर्व विधायक जी हैं नंदकिशोर बघेल जी, सभी साथीगण प्रोग्राम में मौजूद रहे और विशेषकर हम सब ने ये संकल्प किया है कि अगले 2 साल कांग्रेस पार्टी के लिए और जनता के लिए हम निरंतर जमीन पर मेहनत करेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे और पुनः 2023 में सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में बनाएंगे। सर, अभी देखा गया कि 700 किसानों के शहीद होने के बाद केंद्र सरकार ने उन तीनों कृषि कानून, जिनको कांग्रेस भी आंदोलन करती थी, कानून वापस लेने चाहिए, सरकार ने ले लिए, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये हम सबके लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा सरकार प्रचार कर रही थी कि जो किसान आंदोलित हैं उनको अनेक प्रकार के गलत नाम खिला रही थी, कहीं कह रही थी कि वो खालिस्तानी हैं, कहीं कह रही थी कि वो देशद्रोही हैं, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई है, क्योंकि आखिर जो ये काले कृषि कानून थे ये किसान के हित के नहीं थे, किसान के विरोध में थे, और जो भाजपा के मोदी जी के जो कुछ निकट उद्योगपति हैं उनको उससे लाभ मिल रहा था, लेकिन किसान डटा रहा, किसानों ने उनकी आवाज़ बुलंद रखी और यही कारण है, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और जब भाजपा को देखा कि विशेषकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्होंने तय किया कि चुनाव के पहले घोषणा करें कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं। मैं मानता हूँ कि भाजपा ने ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उनको इस बात को का असर और उनको समझ में आई है बात कि कहीं ना कहीं आम किसान इस बात का विरोध कर रहा है जमीन पर। अच्छा सर, भोपाल के एक विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कहीं भी अगर कांग्रेस कार्यकर्ता दिखता है तो उनके घुटने तोड़ देना चाहिए। राजा साहब 24 नवंबर को उनके घर पे जाने की चुनौती दी है कि वे इस तरह से वे गांधीवादी तरीके से उनको जवाब देना चाह रहे हैं, तो एक विधायक का इस तरह से बयान देना कहाँ तक उचित? मैंने पहले भी कहा है कि जिस प्रकार के बयान रामेश्वर शर्मा जी देते हैं कहीं ना कहीं जो उनका मानसिक संतुलन है उसका ठीक नहीं है। पहले वो प्रोटेम स्पीकर बन गए थे, शायद उनको उम्मीद थी कि शिवराज सिंह जी उनको स्पीकर बना देंगे या कोई अच्छा मंत्री का पद देंगे, जब से वो नहीं मिला तो रामेश्वर जी ऐसे बेफजूल बयान देते रहते हैं। मैं समर्थन करता हूँ दिग्विजय सिंह जी के निर्णय का कि वो वहीं उनके घर पर जाकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, रामेश्वर जी को सद्बुद्धि मिले, थोड़ा उनको की समझ जो थोड़ी कम हो गई है वापस ठीक हो जाए। हम सब उम्मीद करते हैं कि आखिर चाहे वो भाजपा के हों लेकिन है तो विधायक, और हर विधायक अगर कहीं गलत राह पे चले जाता है
तो हम सबको प्रयास करना चाहिए तो वापस हम सीधे रास्ते पर पहुंचाएं। सर, प्रदेश का युवा और कांग्रेस का जो युवा कार्यकर्ता है आपको आइकॉन के रूप में देख रहा है, लेकिन हमने देखा गया कि जय सिया राम के नारे लगाकर हिंदू धर्म की बात करके भाजपा युवाओं को भड़का रही है, वो बड़ी संख्या में युवा उधर आकर्षित भी हो रहा है, तो ये जो राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है इसको कैसे रोकेंगे आप? देखिए, हम भी हिंदू हैं, हमारे घर में 9 मंदिर हैं जी, लेकिन एक तरफ भाजपा गलत प्रचार करती है, भाजपा नकारात्मक प्रचार करती है, भाजपा के लोग कहते हैं अरे नहीं धर्म खतरे में है। मैं कहता हूँ जिस धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भगवान हो, जिस धर्म में हमारे हिंदू धर्म में जहाँ भगवान राम भगवान कृष्ण जैसे देवता हो, हमारे हिंदू धर्म को ना कभी कोई खतरा था ना कोई खतरा है ना कभी कोई खतरा होगा। नहीं तो युवाओं को भड़काने वाला जो सवाल है सर, कि जिस तरह से युवा राम मंदिर के नाम पर और हिंदू धर्म के नाम पर जो भाजपा में जा रहे हैं उसको कैसे रोकेंगे? मैं उन युवाओं को कहूँगा कि राम मंदिर में एक अहम भूमिका कांग्रेस की भी रही है, राजीव गांधी जी की रही है, राजीव गांधी जी ताला खुलवाया था बिल्कुल, और कांग्रेस की सरकारों ने कांग्रेस के नेताओं ने पूरे प्रदेश में पूरे देश में अनेक ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने उस स्थान के निर्माण के लिए अहम भूमिका निभाई है, लेकिन हमने कभी भी धर्म का राजनीतिक उपयोग नहीं किया। अच्छा सर, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के कार्य के संबंध में आप क्या कहेंगे जी? शिवराज सरकार के कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? कहते हैं कि ना मामा का चेहरा बहुत पुराना हो चुका है, वही घिसा पिटा भाषण है, नई कोई योजनाएं नहीं है। कमलनाथ जी सही कहते हैं कि वो तो उनका एक रिकॉर्डिंग है शिवराज सिंह जी की, जो पिछले 15 साल से वही भाषण देते आ रहे हैं। और अब तो क्या है, उनका विरोध जनता में तो पहले भी था, जनता ने तो शिवराज सिंह जी को 3 साल पहले हटा दिया था, लेकिन पैसों के बल पर धन बल पर उन्होंने सरकार वापस बनाई, सौदे सिंधिया जी के साथ सौदा किया, उस आधार पर सरकार बनी है। लेकिन जो आज हम परिस्थितियां देख रहे हैं, पहले मामू का विरोध था सिर्फ जनता में, अब विरोध हो गया बीजेपी में भी। अगर आप कभी ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे भाजपा के नेताओं से, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, नरोत्तम मिश्रा जी हो, वी डी शर्मा जी हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, ये सब भी उनसे खुश नहीं है। और मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, जब से सिंधिया जी भाजपा में आए हैं तो भाजपा के 3 गुट हो गए, एक है शिवराज भाजपा, दूसरी है महाराज भाजपा और तीसरी है नाराज भाजपा। अधिकतर जो भाजपा के पुराने लोग हैं सब नाराज भाजपा में चले गए हैं, और आजकल जो उनकी उनमें जो गुटबाजी है उससे स्पष्ट दिखता है कि 2023 में भाजपा नहीं जीत पाएगी, कांग्रेस की ही जीत होगी। अच्छा सर, शिवराज सिंह जी ने कहा था कि जितने भी कोरोना मृतक है उनको 1,00,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, लेकिन कोरोना में बड़ी संख्या में मौतें हुई, हमारे नीमच में करीब 540 लोगों की मौत इस दौरान हुई है, वो कई परिवार टूट गए, लेकिन उनको 1,00,000 रुपये की सहायता राशि, 1 रुपये नहीं दिया है, 1 रुपये नहीं दिया है। आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया है, ये बात बिल्कुल सही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की कि हर एक कोविड के मृतक को उनके परिवार को 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे मुआवजे के रूप में, लेकिन आज दिन तक 1,00,000 तो दूर की बात है, 1 रुपए तक नहीं दिया गया है, 1 रुपए तक नहीं। कितने बेशर्म लोग हैं, एक तरफ कोविड के कारण इतनी तबाही हुई, जैसा आपने कहा कि हर जिले में, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, हर जिले में कम से कम 500 से 1,000 मृत्यु हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, हर जिले में। सबसे पहले इन लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं करी कोविड की दूसरी लहर के लिए, दूसरा इन लोगों ने असली आंकड़े छुपवाए, और तीसरा जो सबसे अफसोस की बात है, इतनी दुख की बात है कि खुद सीएम साहब घोषणा कर रहे हैं कि हम 1,00,000 रुपए देंगे और उसके बाद घोषणा ही भूल गए, मतलब अगर ये जिन लोगों की मृत्यु कोरोना में हुई है अगर उनके उनके मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं तो कितनी अफसोस की बात है, इनको माफी मांगनी चाहिए है। और जबकि जैसा आपने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें स्वयं आदेश दिया है कि कम से कम 50,000 रुपए का मुआवजा दिया, प्रावधान जो भी ऐसे परिवार है जिनके यहाँ पे मृत्यु हुई कोरोना से, हर व्यक्ति के लिए ऐसे
50,000 रुपए देने चाहिए, लेकिन अभी तक 1 रुपए नहीं दिया गया भाजपा सरकार। बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसमें एक और सवाल ये जुड़ूंगा कि जो 400 परिवार ऐसे थे, 400 लोग ऐसे थे जो कोरोना योद्धा थे, उनके बच्चों को नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनके पास RCPTR रिपोर्ट नहीं है, और वो भी लोग सब सड़कों पर हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। सब लोग जानते हैं, जो भी विशेषज्ञ भी हैं कोविड के संबंध में, वो भी जानते हैं कि अधिकतर जो ऐसे ऐसे बहुत सारे केस आए थे दूसरी लहर में, जो लोग या तो RT-PCR या फिर एंटीजन टेस्ट करा नहीं पाए थे, या फिर जिनका फॉल्स नेगेटिव आ रहा था जिसके कारण वो भर्ती नहीं हो पाए, या फिर सही समय पर जो कोविड के हिसाब से जो इलाज होना था वो नहीं हो पाया था, लेकिन उनकी मृत्यु कोरोना से हुई। जबकि हम तो ये मांग कर रहे हैं कि अगर जो उनकी रिपोर्ट थी, जहाँ लिखा हो सस्पेक्टेड कोविड, जो उनकी रिपोर्ट कहीं सीटी स्कैन की रिपोर्ट हो जहाँ उसमें स्पष्ट दिखता है कि उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन थी, तो ऐसे परिवारों को भी जो प्रावधान है अनुकंपा नियुक्ति का या और अन्य जो इसमें लाभ मिल सकता है उन परिवारों को मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस भाजपा सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए आज ये स्थिति बन रही है। और हम तो स्पष्ट कहते हैं जो जो लोग पाप करके सरकार बनाएंगे वो कभी भी जनता का भला नहीं कर पाएंगे, और वही हो रहा है आज मध्य प्रदेश। बिल्कुल सर। सर, आप नगरीय प्रशासन मंत्री रहे, नगरीय निकाय चुनाव करीब टाले जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से 3 साल हो गए नगरीय निकाय चुनावों को, सरकार की आगे की मंशा नहीं समझ में आ रही कि नगरीय निकाय चुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्या मेन कारण मानते हैं? क्योंकि इनको दिख रहा है कि जमीन पे माहौल भाजपा के पक्ष में नहीं है। आप खुद देखिए 2021 में 4 उपचुनाव हुए विधानसभा के, जिसमें विपक्ष में रहकर भी कांग्रेस को 2 में जीत मिली है, दमोह में भी और रैगांव में भी। तो ये बहुत बड़ी बात है विपक्ष में होकर भी 50% जीत चुनाव सीटें जीतना। और तो कहीं ना कहीं ये लोग खुद संकोच में हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि अगर चुनाव होंगे तो जनता आज के समय कांग्रेस को वोट देगी। आप देखिए, यही भाजपा के लोग 7 साल पहले जब सरकार कांग्रेस की थी दिल्ली में, जब पेट्रोल के दाम 55 रुपए थे, डीजल था 40-45, उस समय यही भाजपा के लोग जोर जोर से कहते थे बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी के राज में 7 साल बीत गए और मोदी जी ने वो काम करके दिखा दिया जो 15 प्रधानमंत्री ने 67 साल में किया था। अकेले 7 साल में मोदी जी ने पेट्रोल के दाम पहुंचा दिए 55 रुपए से 110, डीजल के दाम पहुंचा दिए 45 से 100 के पार, और गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर। गैस सिलेंडर जो कांग्रेस के समय 400 में मिलता था, आज मिल रहा है 1000 रुपए पर। खाने के तेल के दाम 50 रुपए थे कांग्रेस के समय, आज 150-200 के बीच पहुँच गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सीधा जो आम मतदाता है, जो आम आदमी है, चाहे किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, हाट ठेले वाला हो, चाहे माता बहने हो, सबको नुकसान पहुंचा है, सब लोग घाटे में हैं। अच्छा सर, क्या लगता है कि कांग्रेस इन सारे मुद्दों को भुना नहीं पा रही है, जनता तक पहुंचा नहीं पा रही है? ऐसी बात नहीं है साहब, हम हर जगह इसके बारे में बात कर रहे हैं, हर जगह हम प्रचार कर रहे हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर जिले में, हर कस्बे में, हर ब्लॉक में कांग्रेस जनता की आवाज उठा रही है और आगे भी उठाते रहेंगे, क्योंकि अब 2023 अब काफी पास आ चुका है, बस 2 साल से कम रह गए हैं। तो हम अगले 2 साल में लगातार जनता के बीच जाएंगे, हर जिले में नहीं, हर ब्लॉक में नहीं, हर गांव में जाकर और शहर के हर मोहल्ले में जाके हम जनता का विश्वास प्राप्त करेंगे और पुनः सरकार 2023 में जनता की बनाएंगे, कांग्रेस की बनेंगे। धन्यवाद सर। तो आप थे जयवर्धन सिंह जी, जो कि TTV से खास चर्चा कर रहे थे, नीमच दौरे पर आए हुए थे। नीमच में जहाँ जहाँ भी वे जिस मार्ग से निकले उनका भरपूर स्वागत हुआ। TTV के लिए कैमरा पर्सन प्रथम सिंह के साथ राकेश सोनी।